युवा लीडर है जो राहुल गांधी, ना किसी से डरे हैं ना डरते हैं। एक प्रधानमंत्री है जो आठवीं पढ़ा हुआ, एक कांग्रेस की देन है कि धानी से क्या रिश्ता है कि पूरे देश बेच के उन्हीं को दे दे रहे हैं। मैं अपने देश से पैसे लेकर भागने वाले हैं, उनके पीछे मोदी क्यों लग रहा है और सब गुजराती है। इसमें कैसे अपमान हुआ? सच्चाई है, सच्चाई है। मोदी का क्या मतलब? मोदी का क्या मतलब? मोदी नाम है तो मोदी के डरने वाले कोई काम नहीं होते। ये सच्चाई है कि जितने अपने देश के पैसे गुजराती करने वाले हैं, भागने वाले हैं, सबके पीछे मोदी नाम लग रहा है और सब गुजराती है। तो इसमें कौन सी गलती कर दी है राहुल जी? सच्चाई बोलना कोई गुनाह है? इनका हिटलर राज चल रहा है कि कोई सच नहीं बोलेगा, बस सिर्फ मोदी मोदी मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी करो और बाकी पूरे देश को देख के खाओ, पूरे देश को लिखो। इनको क्या पूछेगा? उन्होंने सही बोला, मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। ये तो सच्चाई है। आखिर क्या मोदी जी का अडानी से क्या रिश्ता है कि पूरे देश बेच के उन्हीं को दे दे रहे हैं? जितनी सरकारी संपत्ति है उनको बेच के दे दो, एयरपोर्ट उनको। क्यों स्मृति ईरानी नौटंकीबाज? आज तक कभी माफ़ी मांगी क्या? जब कांग्रेस के ज़माने में 350 का सिलेंडर था तो स्मृति ईरानी नौटंकी करते थे, सिलेंडर को लेकर रोडों पे घूमते थे। आज स्मृति ईरानी क्या गूंगी हो गई हैं, बहरी हो गई हैं, अंधी हैं, लंगड़ी हैं, लूली हैं, क्या हैं? आज उनकी जबान नहीं खुल रही है। क्यों माफ़ी मांगे? क्यों? क्या अपमान किया? नहीं, क्या प्रधानमंत्री विदेश में जाके बोल रहे हैं कि हम हिंदुस्तान में पैदा होकर शर्म आती है बताने में किस देश में पैदा हो गए? एक प्रधानमंत्री है जो आठवीं पढ़ा हुआ, एक कांग्रेस की देन है कि जो आठवीं पढ़ा हुआ प्रधानमंत्री चौकीदार आज प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं और हमारे देश के पढ़े लिखे युवा आज रोडों पे घूम रहे हैं अपनी फाइलें ले लेके। क्यों माफ़ी मांगेंगे? राहुल गांधी ने जज के सामने बोल दिया कि नहीं, मैं ना तो डरता हूँ ना डरूंगा ना माफ़ी मांगूंगा। किसने बोला था? राहुल गांधी ने तो सच्चाई बताई। राहुल गांधी सच्चाई बताए कि लोकतंत्र खतरे में है। वो ये सच्चाई है, लोकतंत्र खतरे में है। ये सब कांग्रेस की देन है, ये अम्बेडकर भीमराव की देन है, ये नरेंद्र मोदी की देन नहीं है। अगर आज ये संविधान नहीं बनता ना, आठवीं फेल प्रधानमंत्री बनके अपने देश को नहीं भेजते। झूठी डिग्री, डिग्री बना लो, डिग्री का तो पता लग जाएगा, डिग्री बनाओ, झूठी डिग्री जो मर्जी बोलो। आज सच बोलना गुनाह है। अगर कोई सच बोल रहा है तो सच बोलना गुनाह है। जो सच बोल दिया, रात को उसके यहाँ पुलिस पहुँच जाएगी, ईडी पहुँच जाएगी। क्यों आज याद आ रहा है? नहीं, नरेंद्र मोदी को आज याद आ रहा है? सन 2019 का बयान आज याद आ रहा है क्या? मैं कह रही हूँ तड़ी पार और आपका ये चौकीदार, ये लोग डरे हुए हैं कि राहुल गांधी से। हमारे देश का तो एक ही युवा लीडर है जो राहुल गांधी, ना किसी से डरे हैं ना डरते हैं। और एक बात सुन लीजिए, जिसका खानदान इस देश को चलाया हो, कि हम लोग गर्व करते हैं कांग्रेस पार्टी में है कि कांग्रेस पार्टी के लोग देश को आज़ाद किए हैं, देश की आज़ादी में रोल लिए हैं। ये भाजपा के ये लोग तो अंग्रेजों के चमचे थे, अंग्रेजों के दलाल थे, अंग्रेजों के बिके हुए थे। लेकिन जेल चले जा, राहुल गांधी को जेल भेजने वाले का ख्वाब देखना छोड़ दें, देश भरा जेल भरा आंदोलन हो जाएगा। और लोगों को क्यों नहीं जेल हो रहा है? राहुल गांधी ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया? राहुल गांधी ने ऐसा क्या बोल दिया? सच्चाई बोलना अपने देश में गुनाह है क्या? राहुल गांधी सच बोल रहे हैं कि जितने लोग भागे हैं सबके पीछे मोदी क्यों लगता है और सारे गुजरात के क्या हैं? तो इसमें कोई गलत है? इसमें बेइज्जती वाली बात कहाँ सुनी भाई? कोर्ट किसके हाथ में है? जज किसके हाथ में है? मतलब आप कोर्ट के फैसले पे सवाल उठा रही हैं? एक चीज देखिए, तड़ी पार और आपके चौकीदार, ये लोगों को जितना हिटलर शाही करनी है कर लें, कोई दिक्कत नहीं। जितना जुर्म ढाना, राहुल गांधी ने सीधा बोल दिया कि ना मैं डरूंगा और ना डरता हूँ, ना हमारे कांग्रेसियों को डरने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग चोर नहीं हैं, कोई चोरी नहीं किया, देश बेच के तो खा रहे हैं भाजपा के लोग
और अंगुली उठा रहे हैं कांग्रेस, क्या हम ये नहीं बोल सकते क्या कि पब्लिक के साथ गलत हो रहा है? संबित पात्रा ने राहुल गांधी की तुलना वीर जफर से की है। संबित पात्रा को कौन सा शब्द मैं बोलू? संबित पात्रा किसी शब्द के लायक नहीं, प्रवक्ता है, चोर है वो, चोर आदमी, उल्टे सीधे बोलने वाला आदमी है। क्या जायज बोलते हैं संबित पात्रा, बताए ना? क्या हमें ये राहुल गांधी बोलते हैं कि सामने सामना बैठकर डिबेट कर लो? देख लो भाई, जो ये लोग खुद वही है और वही पदवी वो दूसरे को देते हैं। राहुल गांधी एक सम्मानित खानदान के हैं, जिनके बाप दादा देश की आज़ादी में पूरा रोल लिए, देश के हर एक काम में पूरा रोल लिए। जिस आज फ्लाइट से नरेंद्र मोदी पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं ना, वो भी कांग्रेस की देन है। जो 50 शर्ट पहन के चेंज करके दिन भर में घूमते हैं ना, वो भी कांग्रेस की देन है। जितने बड़े बड़े कारखाना, जो बड़े बड़े कॉलेज, ITI, जो कुछ बेचने में लगे हैं ना, ये सब कांग्रेस की देन है। अच्छा। ये तो शुक्र यही है कि कांग्रेस ने 70 साल में इतना कुछ बनाया, जो चोर आदमी बेचने में लग गया। अच्छा, तो क्या ये बोलना गुनाह है क्या कि हमारी देश की संपत्ति बेची जा रही है? जहां आज राहुल गांधी को सजा सुनाएगी, उसके बाद अभी 2 दिन पहले दिल्ली पुलिस ने नोटिस भेजा था। दिल्ली पुलिस का काम है क्या है? जो आदेश ऊपर का आदेश आएगा, दाढ़ी मार का जो आदेश आएगा, चौकीदार का जो आदेश आएगा, वो नोटिस लेके पुलिस वाले आएंगे। अच्छा। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं सारी संस्थाएं अपने तरीके से काम कर रही है, किसी का ना जोर है ना दबाव है। कर लेना एक बार डिबेट बैठ के, कर ले राहुल जी के साथ। हाँ। अगर बहुत इतना शिक्षित, इतना बुद्धिमान, इतना विद्वान प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तो एक बार राहुल जी के सामने बैठ के बात कर ले ना, नरेंद्र मोदी डिबेट कर ले राहुल गांधी के साथ, डिबेट करें, एक बार डिबेट करें ना। राजकुमारी जी आगे तस्वीर कैसे? सन 2024 में मैं कह रही हूँ कि पब्लिक इतनी दुखी हो गई है, जितना ये राहुल गांधी को परेशान कर रहे हैं, जितना राहुल जी के यहाँ ED पुलिस नोटिस जितना आ रही है, पब्लिक उतना जागरूक हो रही है, उतना राहुल गांधी का नाम बढ़ रहा है। इनको जितना अत्याचार करना है, जितना परेशान करना है, उतना ये कर लें। कांग्रेसी ना डरा है, ना डरेगा, और ना हमारा बॉस डरेगा। जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने वाली है, उसका डर तो नहीं है? ये डर है इनको, इनको सन 2024 की डर है, सन 2024 की डर है। सन 2024 में पब्लिक अब जागरूक हो रही है। जहाँ इंद्रपाल सजा सुनाएगी, ऐसा नहीं लगता कि राहुल गांधी की जो सदस्यता रद्द होने की बात पहले भी कही जा रही थी, तो कहीं ना कहीं अब ये डरते हैं पार्लियामेंट में राहुल गांधी को बोलने से डरते हैं। हाँ। तो इनको कोई न कोई बहाना तो चाहिए। अच्छा। कि राहुल गांधी पार्लियामेंट में बोल ना पाए। हाँ। रोक लो, जितना रोकना है रोक लो। अच्छा। हाँ, जो करना है कर लो। लेकिन बजट सच चलता है, बार बार सदन को स्किप किया जा रहा है, और स्मृति ईरानी कह रही राहुल गांधी माफी मांगे। स्मृति ईरानी तो नौटंकी बाज है, नौटंकी क्या जनता की चुनी हुई है? आज उसके दिखाई नहीं दे रहा है, आज उसको दिखाई नहीं दे रहा है, आज वो गुंगी है, आज बोल तो सकती है स्मृति ईरानी कि महिलाओं के साथ क्यों मांगे, क्यों मांगे राहुल गांधी, क्यों माफी मांगेंगे? राहुल गांधी ने गलती क्या की? राहुल गांधी ने किसका अपमान किया? भारत का अपमान किया? नहीं, एक प्रधानमंत्री विदेश में बोल सकते हैं कि हम हिंदुस्तान में पैदा होकर गलती की है, हमें पछतावा है, इस बात पे हमें शर्म आती है। हाँ। और अगर उस बात को राहुल गांधी ने रिपीट किया कि प्रधानमंत्री ऐसा बोले हैं, राहुल गांधी ने बोला है कि मैं ना कभी हिंदुस्तान का बुराई किया हूँ ना करूँगा। राहुल गांधी ने बोला है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान पे गर्व करता हूँ। ये प्रधानमंत्री बोले उल्टा चोर, वो कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो वो हाल प्रधानमंत्री का है। संबित पात्रा की तो यही पेशा है, अगर संबित पात्रा अगर झूठ नहीं बोलेंगे, इस तरीके से बकवास नहीं करेंगे, प्रवक्ता से हट जाएंगे।